मुरादाबाद रोजगार मेले में सीएम क्या कह रहे हैं सुनिए। हाँ ऋण देना और तकनीकी जिससे युवाओं को सशक्तिकरण करने के क्रम में ऊर्जावान युवाओं को टैबलेट वितरण के समारोह के साथ ही मुरादाबाद जनपद और खासतौर पर कुंदरगी विधानसभा क्षेत्र की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में इसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पशुपालन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, औद्योगिक विकास और संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सैनी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, हरिओम शर्मा जी, हरीश ठाकुर जी, राजेश यादव जी, आकाश कुमार पाल जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, गोपाल अंजान जी, माननीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, कुंवर सुशांत सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह जी, महापौर विनोद अग्रवाल जी, हरि सिंह ढिल्लो जी, परमेश्वर लाल सैनी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में उपस्थित मुरादाबाद के मेरे सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले आज के इस रोजगार मेला, ऋण मेला और विकास परियोजनाओं के लिए आयोजित इस समारोह में आप सभी युवाओं को हृदय से अभिनंदन करते हुए, जिन्हें रोजगार मेला में रोजगार उपलब्ध हुआ है, जिन्हें आज यहां पर ऋण उपलब्ध हुआ है, जिन युवाओं को टैबलेट वितरण किया जा रहा है, इन सभी युवाओं को बधाई देता हूं और इनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। मेरे लिए एक प्रसन्नता का क्षण है कि एक और युवा ऊर्जा के प्रतीक अपने इन होनहार ऊर्जा वाली युवाओं को हम लोग एक सकारात्मक दिशा देने के अभियान के क्रम में यहां उपस्थित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर आजीवन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और विकास के मिशन को मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित एक व्यक्तित्व पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को भी आज हमें नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज उनके नाम पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के प्रवेश द्वार का नामकरण कुंवर सर्वेश सिंह द्वार के रूप में करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और साथ ही साथ मुरादाबाद के अंदर उनके नाम पर एक पार्क की स्थापना, पार्क में उनकी प्रतिमा भी स्थापित होगी, इसका शिलान्यास भी
आज यहाँ पर किया जा रहा है। इस अवसर पर कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, कुंवर सर्वेश सिंह जी का जीवन एक निर्भीक और सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में जाना जाएगा। मुरादाबाद और बिजनौर के विकास के लिए उनके मन में एक तड़प थी, कार्य करने की जिजीविषा थी, एक समर्पण का भाव था। संकट के दौर में अपनी जान की परवाह के बगैर वह मुरादाबाद वासियों के साथ खड़े होकर के कार्य करने का जज्बा रखते थे। ऐसे भारत माता के सपूत की स्मृतियों को आज यहां जीवंत बनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं हमारा मुरादाबाद अब नए भारत का अगर नया उत्तर प्रदेश है तो प्रधानमंत्री जी के विजन का भी जमीनी धरातल पर लागू करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज मुरादाबाद में 400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जिसमें 156 परियोजनाएं अकेले इसी कुंदर की विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन और मंत्रियों और हमारे जनप्रतिनिधियों का समूह लगातार पिछले 3 महीने यहां कार्य किया और उन्होंने प्रस्ताव बना करके भेजे। आज उसका परिणाम है कि एक एक विकास का कार्य, सड़क हो या फिर पेयजल की समस्या हो, स्किल डेवलपमेंट का हो या फिर यहां की जुड़ी हुई बाढ़ से बचाव की परियोजनाएं, यहां के सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव हो या युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पंख लगने की एक नई स्थिति पैदा करने का प्रयास, मुझे बताते प्रसन्नता इन 3 महीनों के अंदर आपके इस कुंदर की और मुरादाबाद का मुड़ा पड़े एयरपोर्ट से वायु सेवा भी प्रारंभ हो चुकी है। मैं देख रहा था मुरादाबाद के बारे में लोग कहते थे कौन जाएगा, दिल्ली तो मस्तिष्क है, लेकिन जब यहां से फ्लाइट जाती है तो केवल बलदेव सिंह ओलखे और नीतीश गुप्ता ही नहीं जाते हैं, बल्कि यहां के व्यवसायी भी जाता है, यहां का युवा भी जाता है और यहां का आम नागरिक भी जाता है। वैसे इन दोनों को चाहिए था कि ये सबसे पहले यहां के किसानों को और युवाओं को सिर्फ हवाई जहाज की यात्रा कराते और उसके माध्यम से उनको एहसास कराते कि मुरादाबाद भी अब एयर कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है और प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार चुका है। बहनों और भाइयों, यहां के हस्तशिल्पियों ने, यहां के कारीगरों ने अपनी हस्तशिल्प और अपनी कारीगरी का लोहा दुनिया के अंदर बनाया है। आज लगभग 15 से लेकर 20 हजार करोड़ रुपए की यहां की ब्रास की आइटम एक्सपोर्ट हो रही है, दुनिया के मार्केट में छा रही है। अब मुरादाबाद किसी से पीछे नहीं रहेगा, मुरादाबाद भी उत्तर प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा, वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। मेरा मानना है कि इस युवा के सपने को पंख चाहिए और उस पंख को लगाने के लिए सरकार के पास विजन चाहिए। सरकार अगर ठान ले तो असंभव को संभव कर सकती है, लेकिन उस प्रकार की सरकार को चुनना पड़ेगा, उस प्रकार के लोगों के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, उस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को आपको चुनकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्य को करेंगे तो आपके सपनों को साकार होने में कोई देर नहीं लगने वाली है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले आप में से बहुत सारे युवा उस समय छोटी उम्र के रहे होंगे, किसी की उम्र 10 साल रही होगी, किसी की 11 साल, किसी की 12 साल, किसी की 15 साल, किसी की 20 साल, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे।
2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी। पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, कोई भी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं, भय और दहशत में हम लोग मनाने के लिए मजबूर होते थे। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान नहीं था, अन्नदाता किसान खेत में जाता था वहां सुरक्षा नहीं थी, उसकी मोटर चोरी हो जाती थी और उसके जीवन को भी खतरा था, बैल भी चोरी हो जाता था, उसका बैल भी गायब, बैटरी भी गायब हो जाती थी, और जब वह कुछ शिकायत करता था तो उसकी जान के भी लाले पड़ जाते थे। आज बहन और भाइयों मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस नए उत्तर प्रदेश में पिछले 7-7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी सुरक्षित ही नहीं बल्कि व्यापारी को तो हम लोगों ने 10 लाख का जीवन बीमा का कवर भी दिया है, सुरक्षा का कवर भी दे दिया है, आज उसका व्यवसाय फल फूल रहा है और प्रदेश के अंदर युवाओं को नौकरी और रोजगार भी मिल रहा है, विकास भी हो रहा है। आपके बगल में जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है, यानी मुरादाबाद में स्वयं एयरपोर्ट, लेकिन 100 किलोमीटर के दायरे में एक नया एयरपोर्ट आपको जेवर में मिल रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। युवा साथियों, ये एयरपोर्ट जब काम करेगा उसी के बगल में हम फिल्म सिटी बना रहे हैं। अगर आपको भी सरकार बलदेव सिंह ओलक के साथ में कोई फिल्म में जा काम करना हो तो उनके साथ अभी से एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे कह सकता हूं वहां पे हम लोग मेडिकल डिवाइस पार्क भी ला रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क लाखों नौजवानों को नौकरी देगा, उद्योग लगेंगे, एक्सपोर्ट का एक नया हब मुरादाबाद बन करके उभरेगा और मुरादाबाद ब्रास के आइटम में दुनिया के अंदर फिर से अपनी छाप को छोड़ करके अपनी थमक को दिखाएगा। विकास सही है, आज गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, लखनऊ मुरादाबाद दिल्ली हाईवे 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। आज विकास के लिए गांव की विकास की यात्रा हो, एक्सप्रेस हाई हो, वे हो, या फिर स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए एक केवल स्थानीय उद्यमी को ही सुरक्षा और उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ है, इसके माध्यम से रोजगार का सृजन भी हुआ है। 2 करोड़ युवाओं को आज यहीं पे रोजगार और नौकरी मिली है। आज यहीं पर जो रोल वितरण का कार्य हुआ है, मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश का जो क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो, बैंक जितना पैसा आप जमा करते कितना लोन दिया है वो मात्र 44% था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है यह बढ़कर के 60% से ऊपर जा चुका है और इसे हमें हर हाल में 65% तक इस वर्ष में पहुंचाना है। मुझे याद है तब उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी निकलती थी लेकिन भतीजा और चाचा और भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और निकल करके ऐसा खुराफात करती थी कि न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी, नौकरी नहीं था, नौकरी नहीं थी, क्योंकि ये चाचा भतीजे की वसूली की भेंट थी वो जो नौजवान की नौकरी पड़ जाती थी और अंततः युवा बेरोजगार होकर के नौकरी के तलाश में अन्य राज्यों की तरफ प्लान करता था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन इतना खराब था, कोई उत्तर प्रदेश के नाम से आपको आने नहीं देता था। आज बहनों और भाइयों, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता है लोग
फलक पावड़ी बिछा करके उसका स्वागत करते हैं, सम्मान के साथ लेकर। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश आप जाएंगे राजस्थान में, कहेंगे गुरु जम्बेश्वर जी के नाम पर जहां पर विश्वविद्यालय बन रहा हो, मुरादाबाद से मैं हूं, राजस्थान और हरियाणा आपका सम्मान करने के लिए फलक पावड़ी बिछा करके आपके सामने खड़ा होगा। बहनों और भाइयों, आज हमने 6.5 लाख नौजवानों को अब तक नियुक्ति पत्र देकर के सरकारी नौकरी दे दी है। अभी मैं यहां के पुलिस प्रशिक्षण अकादमी से आ रहा हूं, 74 डिप्टी एसपी को उनके दीक्षांत परेड का सलामी लेकर के आ रहा हूं। उन्हें आज पुलिस का हिस्सा बना करके हम लोग इन नौजवान अधिकारी हमने आज पुलिस भर्ती का पार्ट पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और यही नहीं, अभी 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती हुई है। आपने देखा होगा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 10 चरणों में परीक्षा संपन्न हुई, कोई नकल नहीं, सुचतापूर्ण तरीके से 60,200 से अधिक युवा इस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जैसे ही इनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा, फिर 40,000 नौजवानों के लिए फिर भर्ती के लिए हम आवेदन पत्र लेने जा रहे हैं। अगले 2 साल के अंदर 2 लाख नौजवानों को हम केवल सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को बेहतर कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर आया जो निवेश है, इस निवेश में नौकरी देने जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य नहीं है, अब उत्तर प्रदेश देश का प्रगति का और देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर आपके इस उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनानी है। बनानी है कि नहीं बनानी है, बनना है कि नहीं बनना है, नंबर 1 का बनना है कि नहीं बनना है, बनना है ना। उत्तर प्रदेश नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा तो बहनों और भाइयों, यहां की पर कैपिटा इनकम भी 3 से 4 गुना होगी, प्रति व्यक्ति आय 4 गुना तक हो जाएगी, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी, हर व्यापारी सम्मान पाएगा, हर श्रमिक के श्रम का सम्मान होगा। और उस उत्तर प्रदेश के लिए आज आप सबके सहयोग की आकांक्षा के साथ हम सब आज यहां पर आए हैं। ये तो विकास हो रहा है, ये विकास आपके सपने को पंख लगाने के लिए ही किया जाने वाला एक प्रयास है। कब तक हम जाति मत और मजहब के आधार पर बंट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के कांग्रेस समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की इस कुत्सित मंशा के साथ आगे बढ़ेंगे। इन लोगों का समय था, ये दंगा करवाते थे, अराजकता फैलाते थे और फिर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण भी करते थे। हमने तो कहा कि हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, लेकिन पुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सबका साथ और सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन पुष्टिकरण किसी का नहीं। हमने सुरक्षा भी दी है, लेकिन आज यह मंच आया है आपके पास सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, 10,000 नौजवानों के लिए रोजगार की गारंटी की बात कही थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 50 कंपनियों को आना था, मुरादाबाद का नाम सुनकर के 100 कंपनियां यहां पर आई है, 100 कंपनियां रोजगार का सृजन हुआ था 10,000 के लिए। और यहां पर आने के बाद जब कंपनियां बढ़ी हैं, इनकी संख्या बढ़कर के हुई है 15,000। तो अब आपको उत्तर प्रदेश
देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सुरक्षा भी, सामाजिक सुरक्षा भी, सम्मान भी तो सुरक्षा भी, और इसी के लिए हम लोग चाहते हैं। जब मैं भी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी से आ रहा था तो वहां पे था, मैं देख रहा था हमने उत्तर प्रदेश में 60,200 पुलिस बल में भर्ती कर रहे हैं। इसमें हमने तय किया था कि उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग 1,60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती किए हैं। हमने उसमें 20% बेटियों को भरा है। ये 60,200 में भी बेटियों 20% सीटें लेंगी। और अकादमी में जब डिप्टी एसपी के पद पे मैं देख रहा था तो 74 में से 18 केवल बेटी वहां पे डिप्टी एसपी बनी है। ये चीजें दिखती है कि जो प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी वो आज जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, हम सबको आज इस मिशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर के कार्य करना है, और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि विकास की प्रक्रिया अनवरत चलेगी। आज मुरादाबाद में अपना विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, गुरु जम्बेश्वर के नाम का विश्वविद्यालय। अब मुरादाबाद के हमारे नौजवानों को अपनी डिग्री के लिए यहां से बाहर रुहेलखंड विश्वविद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इस कमिश्नरी से जुड़े हुए युवाओं को मुरादाबाद में ही उनकी डिग्री होगी और नाम भी गुरु जम्बेश्वर का नाम होगा। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार आपको सुरक्षा भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है, आपकी आस्था का सम्मान भी कर रही है, आपके लिए रोजगार का सृजन भी कर रही है। सुरक्षा और समृद्धि का यह अद्भुत संगम एक नए भारत का, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमारे सामने है। हम सबको विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं और जब सत्ता में आते हैं पुष्टिकरण की पराकाष्ठा में जाकर के राजकता फैलाते हैं, दंगाइयों के सामने घुटना टेकते हैं, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं, और उसके बाद दंगाइयों का गुस्सा बढ़ता है, तब न बेटी सुरक्षित होती है न व्यापारी सुरक्षित होता है। बहनों और भाइयों, आज को मैंने कहा ना, सुरक्षा सबको, सम्मान भी सबको, लेकिन पुष्टिकरण किसी का नहीं। सबका साथ और सबके विकास के इस भाव को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको हर संभव मदद करने को तैयार है, आपके सपने को पंख लगाने को तैयार है। आप भी इस सपने को साकार करने के लिए सरकार की योजनाओं का हिस्सा बनिए। एक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण अभियान के तहत जो टैबलेट वितरित हो रहे हैं, ये टैबलेट इसी क्रम का हिस्सा है। ये टैबलेट, इसमें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित, रोजगार से संबंधित सभी योजनाएं दी गई हैं। अगर आप टैबलेट को देखेंगे, उसके एप्लीकेशन को देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, सरकार की दिशा एक सही और सकारात्मक दिशा में यह आगे बढ़ रहा है और वह निरंतर आगे बढ़ने जा रही है। बहनों और भाइयों, आज हम सब न केवल यहां पे उत्तर प्रदेश आर्थिक क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के लिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भी आपको मिल चुका है, और हमारे खिलाड़ी कहां पीछे रहने वाले हैं। आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई, और परिणाम है कि हॉकी इंडिया अपने गौरव को फिर से आगे बढ़ा रही है। हॉकी इंडिया ने लगातार दूसरे ओलंपिक में फिर से मेडल जीता है। पिछली बार एक खिलाड़ी यूपी से था, इस बार हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ी हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुजफ्फरनगर की बेटी
पूजा पाल पैरालंपिक पेरिस में आयोजित पैरालंपिक खेल में दो मेडल अब तक जीत चुकी है, दो मेडल जीत चुकी है। उस बेटी को मैं बधाई देता हूं, ये सब खिलाड़ियों को एक बड़ा समारोह करके फिर से सम्मान देंगे। ये खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, ऐसे ही आप भी अपने जीवन में अपने सुखद मार्ग को भविष्य पाने को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करिए, आगे बढ़िए। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि मेरा सब कुछ देश के नाम होना चाहिए, हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम होना चाहिए। देश से बढ़कर भी कुछ नहीं है। हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए परिश्रम कर पाएंगे। और इसका रास्ता जाता है हमें व्यक्तिगत कर्तव्यों से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंचप्रण की बात कही वो उसमें व्यक्तिगत नागरिक कर्तव्य की बात भी कही है, और ये नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता की नई ऊंचाइयों को हम प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है उन्हें बधाई, जिन्हें ऋण प्राप्त किया है, प्रदान हुआ है, उन सभी उद्यमियों और नौजवानों को नए उद्यम और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और जिन युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट प्रदान किए गए हैं, इन सभी युवाओं को भी हृदय से बधाई देते हुए 400 करोड़ रुपए के अधिक परियोजनाओं के लिए मुरादाबाद वासियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और खास तौर पर कुंदर की विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी आप युवाओं को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी बात भी करे थे परमानंद निषद के यशस्वी मणि स्वागत आभार प्रकट करते हैं।